नमस्ते, थिंक एंड ग्रो रिच के इस सारांश में आपका स्वागत है। इसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह किताब सेल्फ हेल्प और सफलता के साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। यह बताती है कि धन और संतोष पाने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल कैसे करें। आज हम हर अध्याय को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने विचारों से सफलता पा सकते हैं। शुरुआत में हिल बताते हैं कि विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी हम जो सोचते हैं वह हमारी असल जिंदगी बन जाता है। वो सफलता का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं तो वो हमारी सफलता का आधार बनते हैं। अगर आपके अंदर सफलता पाने की तीव्र इच्छा है तो आप आधी राह तक पहुंच चुके हैं। हिल कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। सिर्फ चाहने या उम्मीद करने से कुछ नहीं होता। आपको एक ऐसी तीव्र इच्छा चाहिए जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाए। हिल ने इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए 6 कदम बताए हैं। पहले यह तय करें कि आपको क्या चाहिए, फिर समय सीमा तय करें और एक योजना बनाकर उस पर अमल करें। याद रखने वाली बात, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो हासिल कर सकता है। विश्वास मन की वह अवस्था है जो हमें अनदेखे पर भरोसा करने में सक्षम बनाती है। हिल खुद पर और अपने लक्ष्यों पर अटूट विश्वास विकसित करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। खुद पर विश्वास करके आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं और सफलता के लिए एक मजबूत मानसिक नियम का निर्माण करते हैं। याद रखने वाली बात, विश्वास मन का सबसे बड़ा रसायन होता है। ऑटो सजेशन खुद से बात करना है, या वो संदेश है जो आप खुद को बार बार दोहराते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करते हैं। अपने मन को सकारात्मक दृढ़ विचारों से भरकर आप अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ्स और बिहेवियर्स को आकार देते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। याद रखने वाली बात, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से नियंत्रित किया जा सकता है। स्पेशलाइज नॉलेज किसी क्षेत्र या विषय के बारे में विशिष्ट जानकारी है जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करती है। हिल निरंतर सीखने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सामान्य जानकारी इकट्ठा करने के बजाय विशेषज्ञ ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे आपके उद्देश्यों पर लागू किया जाता है। याद रखने वाली बात, ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे उपयोग में लाया जाता है। हिल कल्पना को मन की कार्यशाला कहते हैं। यह अध्याय धन प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने में रचनात्मकता की भूमिका पर जोर देता है। कल्पना के दो रूप हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन जो मौजूदा विचारों को फिर से व्यवस्थित करता है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो नए विचार उत्पन्न करता है। याद रखने वाली बात, अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। संगठित योजना वह चरण है जहां विचार कार्य में बदल जाते हैं। हिल विचार मंथन के लिए एक मास्टरमाइंड समूह बनाने का सुझाव देते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट, अच्छी तरह से संरचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस स्तर पर दृढ़ता और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। याद रखने वाली बात, बिना किसी संगठित योजना के किसी ने भी कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं की। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। हिल ने नोट किया कि अनिर्णय सफलता के लिए एक बड़ी बाधा है। दृढ़ त्वरित निर्णय लेकर आप आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं और अपने कार्यों में गति लाते हैं। याद रखने वाली बात, विलंब जो निर्णय के विपरीत है एक आम दुश्मन है जिसे हर व्यक्ति को जीतना चाहिए। बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। हिल बताते हैं कि निरंतर प्रयास आपको असफलता या आलोचना का सामना करने पर भी आगे बढ़ाता रहता है। दृढ़ता वह आदत है जो क्रिया को बढ़ावा देती है और विश्वास को मजबूत करती है। याद रखने वाली बात, असफलता का सबसे आम कारण अस्थाई हार से आगे निकल जाने पर छोड़ने की आदत है। हिल मास्टरमाइंड की अवधारणा का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो एक समान लक्ष्य साझा करते हैं और इसे हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग से अलग अलग ताकतें आती हैं, दृष्टिकोण और विचार आते हैं जो परिणामों को और भी बेहतर बनाते हैं। याद रखने वाली बात, कोई भी दो दिमाग कभी भी एक साथ नहीं आते हैं बिना एक तीसरा अदृश्य अमूर्त शक्ति पैदा किए जिसकी तुलना तीसरे दिमाग से की जा सकती है। हिल सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। शारीरिक इच्छाओं से ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों में पुनर्निर्देशित करना। उनका मानना है कि यह बढ़ी हुई ऊर्जा रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा दे सकती है। याद रखने वाली बात, सेक्स की भावना में रचनात्मक क्षमता का रहस्य छिपा है। सबकॉन्शियस माइंड वह जगह है जहां विश्वास और आदतें जमा होती हैं। हिल ऑटो सजेशन, एफर्मेशंस
और विजुअलाइजेशन के माध्यम से इसे सकारात्मक विचारों से भरने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखने वाली बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों और विश्वासों को वास्तविकता बनाने के लिए दिन रात काम करता है। हिल का सुझाव है कि हमारा दिमाग विचारों का एक रिसीवर और ट्रांसमीटर है, जो हमारे द्वारा धारण किए गए विचारों से प्रभावित होता है। उनका मानना है कि विचार विचारों, संसाधनों और लोगों को हमारे लक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हैं। याद रखने वाली बात, आपका दिमाग विचार के कंपन के लिए प्रसारण और प्राप्ति दोनों स्टेशन है। हिल के अनुसार छठी इंद्रिय एक सहज शक्ति है, जो अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन की झलक देती है। ऐसा माना जाता है कि यह आभास, विश्वास, अनुभव और अवचेतन प्रभाव का एक उत्पाद है, जो निर्णय लेने में मदद करता है। याद रखने वाली बात, छठी इंद्रिय सीमित मन और अनंत बुद्धि के बीच संचार का माध्यम है। अंतिम अध्याय में हिल्डर को सफलता के लिए मुख्य बाधा के रूप में चर्चा करते हैं। छह प्रमुख भयों को सूचीबद्ध करते हुए, गरीबी आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार का नुकसान, बुढ़ापा और मृत्यु, इन आशंकाओं का सामना करके और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलकर हम खुद को महानता हासिल करने के लिए मुक्त करते हैं। याद रखने वाली बात, डर मन की एक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ वित्तीय सफलता के बारे में एक किताब से कहीं अधिक है। यह मन की शक्ति को उजागर करने के लिए एक मार्गदर्शिका है, मन चाहा जीवन बनाने के लिए। याद रखें, मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह हासिल कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद, और व्यक्तिगत विकास पर और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए लायक और सब्सक्राइब करना न भूलें।